तो ये वीडियो है दोस्तों टिंडल इफेक्ट के बारे में। तो ये जो टिंडल इफेक्ट है इसकी खोज की थी जॉन टिंडल ने, इसीलिए इसका नाम टिंडल इफेक्ट डाल दिया गया था उसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर। तो जॉन टिंडल ये थे, मैं नहीं हूं लेकिन ये जॉन टिंडल थे। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं टिंडल इफेक्ट के साथ। तो सबसे पहले अगर किसी भी चीज के पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं हर चीज के, एटम्स कह सकते हैं आप, एटम्स से बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वैसे मॉलिक्यूल्स एक तरह से आप कह सकते हैं पार्टिकल्स होते हैं हर चीज के। सॉल्ट का पार्टिकल होता है, फ्लोर का पार्टिकल होता है, मिल्क का पार्टिकल होता है। तो इन पार्टिकल्स के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो ये लाइट को स्कैटर कर देते हैं। अब ये स्कैटर यानी कि अगर किसी पार्टिकल के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो उस लाइट को सीधे नहीं जाने देता, चारों दिशाओं में इधर 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 उधर सभी दिशाओं में उस लाइट को भेज देता है, स्कैटर कर देता है। और इसी में से अगर हम कहीं भी खड़े हों तो वो लाइट हमारे तक पहुंच जाती है, हमारी आंखों तक, और हमें वो चीज दिखती है। वैसे ही जैसे कि 2400 घंटे हमारी आईज करती हैं, किसी भी चीज पे लाइट पड़ती है तो वो लाइट हमारी आंखों के आंखों में आती है, वो छोड़ दीजिए चलो। तो ये लाइट को स्कैटर कर देते हैं, अब इस चीज को बोला जाता है स्कैटरिंग। जब कोई पार्टिकल किसी, जब उस पर लाइट पड़ती है उसको जब चारों दिशाओं में भेज देता है तो उस चीज को बोला जाता है स्कैटरिंग। और इसी में, इसी से पैदा होता है टिंडल इफेक्ट। जब एक सॉल्यूशन में, फॉर एग्जांपल जो आप सिंपल पानी ले लीजिए, उसमें अगर आप लेजर लाइट लगाएंगे तो वहां पे आपको कोई लेजर लाइट का पाथ नहीं दिखेगा। और जैसे कि ये मिक्सचर्स होते हैं या सॉल्यूशंस होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। वैसे हम यहाँ पे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे ज्यादा। एक सिंपल सॉल्यूशन जिसमें कुछ नहीं मिक्स, एक फॉर एग्जांपल खाली ग्लास वाटर का, सिर्फ और सिर्फ पानी है उसमें, और दूसरा ले लीजिए आप जिसमें कोई छोटे पार्टिकल्स वाला, ज्यादा बड़े पार्टिकल्स ना हो, जैसे कि उसमें नमक मिला हो, उस चीज को बोलते हैं कोलाइड। और जो उससे बड़े पार्टिकल्स किसी सॉल्यूशन में होते हैं, पानी में होते हैं, तो उस चीज को बोला जाता है सस्पेंशन। तो इन तीनों का आप पिक्चर देख सकते हैं अभी। तो यहाँ पे पहला है सॉल्यूशन हमारा जिसमें कि आपको लाइट का पाथ नहीं दिख रहा है, दूसरा है कोलॉइड जिसमें लाइट का पाथ आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसमें मिल्क मिक्स किया गया है जिसके पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, जो हमने पहले मैंने आपको बताया कि चारों दिशाओं में उस लाइट को भेज रहे हैं जो लाइट उनके ऊपर पड़ती है। तो ऐसे में हमें ये पार्टिकल्स नजर नहीं आते क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और बहुत ही ज्यादा तादाद में होते हैं। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स इतने बड़े नहीं होते, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए इतने बड़े हैं यहाँ पे, ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और ये लाइट को स्कैटर करते हैं। अब ये जो कोलॉइड्स हैं इनमें एक प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये काफी बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो ग्रेविटी की वजह से काफी समय बाद ये पार्टिकल्स जो है नीचे बैठ जाते हैं, तो ऐसे में हमें स्कैटरिंग जो है लाइट की ज्यादा समय तक नहीं दिखाई दे रही। तो सबसे बेस्ट सोर्स है जो स्कैटरिंग को देखने का वो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, या कोलॉइड्स आप कह सकते हैं। तो ऐसे ही एक और इसी की इफेक्ट की वजह से, वैसे उसे रैली का इफेक्ट बोला जाता है, रैली का इफेक्ट, जिसकी वजह से हमें आसमान जो है ब्लू कलर का नजर आता है क्योंकि वहां पे बहुत सी एलिमेंट्स हैं जैसे डस्ट पार्टिकल्स भी हैं और वेपर्स वगैरह सभी चीजें हैं, गैसेस वगैरह, तो वो जब लाइट को स्कैटर करते हैं तो वहां पे स्पेशली ब्लू लाइट जो ज्यादा स्कैटर होती है, इसीलिए हमें आसमान जो है नीला नजर आता है। तो वो अलग चीज है, उसे रैली स्कैटरिंग बोला जाता है। तो अब हम सिंपल सी जो डेफिनेशन है इस टिंडल इफेक्ट की, वो ये है कि द टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ कोलॉइड और अ सस्पेंशन। जैसे कि मैंने बताया कि कोलॉइड वो सॉल्यूशन होता है जिसमें थोड़े से पार्टिकल्स होते हैं, मिक्स होते हैं, जो लाइट को स्कैटर कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें वो लाइट नजर आती है। लेकिन अगर वो पार्टिकल्स ज्यादा छोटे होंगे तो वो लाइट को उतने अच्छे से स्कैटर नहीं कर पाएंगे, जितना बड़ा पार्टिकल उतनी ज्यादा स्कैटरिंग, जितना छोटा पार्टिकल उतनी कम स्कैटरिंग हो पाती है। तो इसी चीज को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। तो इसी के साथ दोस्तों यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है, बहुत ही छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको इसकी लाइव एग्जांपल देखनी है तो एक वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वो मेरी चैनल की वीडियो नहीं है, वो चलो आप उसको वीडियो को देख लेना, उसमें लाइव वो दिखा रहे हैं लेजर के साथ पॉइंट करके कि जो स्कैटरिंग है ये टिंडल इफेक्ट कैसे काम कर सकता करता है। तो इसके साथ दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना
मत चाहिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो अभी शो हो रही होंगी, तो उन वीडियोस को भी क्लिक कर सकते हैं आप। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इसी के साथ आपका इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।